तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। और आज आपके लिए लेके आए हैं सबसे बड़ी खुशखबरी। जी हां फ्रेंड्स, दिल्ली पुलिस भर्ती 2019 के आवेदन 1 अक्टूबर 2019 से शुरू हो रहे हैं। और फ्रेंड्स, ये कोई फेक न्यूज नहीं है, बिल्कुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो चले फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में दिल्ली पुलिस भर्ती 2019 की पूरी नोटिफिकेशन जानकारी दी गई है, वो आपको बताते हैं। और दोस्तों, यह आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है, इसलिए वीडियो के ऊपर एक लाइक तो बनता ही है। अब फ्रेंड्स, आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाता हूं, इसके अंदर क्या क्या जानकारी दी गई है, पूरी जानकारी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देख लीजिए, ऊपर लिखा हुआ है दिल्ली पुलिस, फिर नीचे है नोटिस डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्टर इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2019। तो दोस्तों, दिल्ली पुलिस हेड कॉन्स्टेबल भर्ती 2019 का आवेदन के लिए यह नोटिस आ गया है। यहां पर देख लीजिए, ओपनिंग डेट है 1 अक्टूबर 2019, 1 अक्टूबर से आवेदन शुरू हो रहे हैं। और क्लोजिंग डेट है 30 अक्टूबर 2019। ऑफिशियल वेबसाइट बताई गई है dillipolice.nic.in। आप फ्रेंड्स देखिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वाले और हेड कांस्टेबल वाले दोनों ही विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो अंत तक देखना सबसे महत्वपूर्ण है। आप फ्रेंड्स आप देख लीजिए ऊपर क्या बताया गया है। यहां बताया गया कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर मेल एंड फीमेल इंडियन सिटीजन फॉर फिलिंग अप द फॉलोइंग वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ टेम्पररी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल ग्रुप सी इन दिल्ली पुलिस इन लेवल 4। इन पे मैट्रिक्स है 25,500 से 81,000 प्लस यूजुअल एंड एडमिनिस्ट्रेबल अलाउंसेज टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फ्रॉम टाइम टू टाइम। दे विल बी गवर्न अंडर दिल्ली पुलिस एक्ट एंड सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल्स अप्लीकेबल टू अदर मेंबर ऑफ द फोर्सेज। तो फ्रेंड्स, यहां पर आपका वेतन बताया गया है 25,000 से 81,000। इसके बाद में फ्रेंड्स, यहां पर नीचे वैकेंसियां बताई गई हैं। तो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के लिए वैकेंसियां आपकी टोटल 554 रखी गई हैं। फ्रेंड्स, एक बात आपको बता दूं, कांस्टेबल भर्ती के लिए भी इस वीडियो में आपको बड़ी खबर देने वाला हूं। पहले हेड कांस्टेबल का देख लीजिए नोटिफिकेशन आया है, ऑफिशियल 1 अक्टूबर से आवेदन शुरू हो रहे हैं। 554 पदों की भर्ती है, जनरल के 209 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के 55 हैं, ओबीसी के 128 हैं, एसटी के आपके 79 पद हैं और एससी के 83। यहां फ्रेंड्स पदों की संख्या हो गई। इसके अलावा आयु सीमा, सबसे बड़ी बात, आयु सीमा की गणना 1 जुलाई 2019 से की जा रही है। दोस्तों, जो हमने कहा वही हुआ। स्टडी जॉब लाइन ने आपको आज से 3 महीने पहले बता दिया था कि आयु की गणना 1 जुलाई से होगी। और आप देख लीजिए, आयु की गणना 1 जुलाई से ही हो रही है। आयु 18 से 25 साल आपकी कर दी गई है, पिछली बार कम थी, इस बार 18 से 25 जनरल के लिए है, ओबीसी के लिए 18 से 28 साल है, एससी एसटी के लिए 18 से 30 साल रखी गई है, और जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनके लिए 18 से 35 साल और 38 साल है, क्रम से ये आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आयु सीमा आपकी हो गई, ये आपके पदों की संख्या हो गई। अब फ्रेंड्स आपको और कुछ जरूरी जानकारी देता हूं। तो फ्रेंड्स, ये जो आप नोटिस देख रहे हैं, ये दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल भर्ती के नोटिस का पहला पेज है। यहां पर फ्रेंड्स ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अभी नोटिस आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये नोटिस नीचे से लीक होकर आया है। ठीक है, ये नोटिस लीक होकर आया है, ये बात मैं आपको बता देता हूं दावे के साथ। दोस्तों, ये नोटिस एडिटिंग किया हुआ तो नहीं लग रहा बिल्कुल भी, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। आपके आवेदन 1 अक्टूबर 2019 से पक्का शुरू हो रहे हैं, क्योंकि दोस्तों नोटिफिकेशन में डेट बता दी है। आप फ्रेंड्स, कांस्टेबल भर्ती का भी आपको बता देता हूं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती और हेड कांस्टेबल भर्ती दोनों के ही आवेदन एक साथ शुरू होंगे, दोनों के ही आवेदन एक साथ भरवाए जा रहे हैं, ये बात आपको बता देता हूं। तो फ्रेंड्स, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल दोनों ही विद्यार्थी तैयार हो जाएं, आपको 1 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन करना है। और ये नोटिस ऑफिशियल निकल के आ चुका है, कोई भी डाउट नहीं है। हाँ, जो पूरा नोटिफिकेशन है नीचे तक का, वो मैं आपको तभी दिखाऊंगा जब ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आएगा, क्योंकि अभी पूरा नोटिस नहीं आया है, ये सिर्फ पहला पेज निकल के आया है। तो दोस्तों, पूरा नोटिफिकेशन आ जाएगा 28 तारीख को आपको दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल भर्ती का यह पूरा नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर पूरी जानकारी बताई गई होगी। तो दोस्तों, आपके लिए आज तक की सबसे बड़ी खुशखबरी, आपका इंतजार खत्म हुआ, दिल्ली पुलिस
पुलिस भर्ती 2019 हेड कांस्टेबल का कंफर्म 1 अक्टूबर से है और कांस्टेबल का भी इसके साथ ही भरवाया जाएगा। ये बात भी आप मानिए, इसके अंदर भी कोई डाउट नहीं है। या फिर ऐसा हो सकता है कि 2 या 3 अक्टूबर से 1-2 दिन आगे पीछे भी हो सकता है कांस्टेबल का, लेकिन इसके साथ ही होगा, 1-2 दिन से ज्यादा का फर्क नहीं होगा। 100% चांस तो इसी बात के हैं कि कांस्टेबल के भी 1 अक्टूबर से ही आवेदन भरवाए जाएंगे। तो दोस्तों आज तक की सबसे बड़ी खुशखबरी हमने आपको दी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और खुशखबरी है, इसलिए वीडियो के ऊपर एक लाइक तो बनता ही है, क्योंकि यार वीडियो आपके लिए बहुत ही मेहनत से बनाया जाता है। वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा फैला दीजिए ताकि सभी को सूचना मिल जाए कि दिल्ली पुलिस भर्ती के आवेदन 1 अक्टूबर से भरवाए जा रहे हैं। दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में आप बेल आइकन को जरूर कर दीजिए ताकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हेड कांस्टेबल भर्ती की पल पल की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।